एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपंग गुरप्रसाद। एक ओंकार इस शब्द का उच्चारण है एक ओंकार, अर्थ है परमात्मा एक है जो हर था एक रस व्यापक है। सतनाम उसका नाम सदा होंद वाला है। कर्ता पुरख उस सृष्टि का रचनहार ते सब विच व्यापक अथवा भरपूर है। निरपौ ओ भय तो रहत है। निर्वैर ओ वैर रहत है। अकाल मूरत उस दा स्वरूप काल अथवा समय दे प्रभाव तो परे है। अजूने ओ जूना विच नहीं आंदा। सैपंग उस दा प्रकाश अपने आप तो होया है। गुरप्रसाद अजिहे परमेश्वर दी प्राप्ति केवल सतगुरु दी कृपा नाल हुंदी है। आसा महला पहला इस बानी आसा राग विच उचारी गई है। महला पहला दा भाव है कि यह बाणी अपने मूल रूप विच पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी दी उचारी होई है। महला दा उचारण महला करना ठीक नहीं, महला दा उचारण पहला वांग होना चाहिदा है। महला दा अर्थ है व्यक्ति जां शरीर। ए हर एक बाणी नाल इस करके लाया गया है कि नानक पद उत्ते उचारी गई सारी बाणी बारे जाने जा सके कि केड़ी बाणी केड़े गुरु व्यक्ति दी है। महला पहला दा अर्थ है गुरु नानक पहले जामे विच। महला दूजा दा अर्थ है गुरु नानक दूजे जामे विच। सो महला पहला दा शुद्ध उचारण अद्धक तों बिना महला पहला करना ठीक है। वार श्लोकां नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे। इस सिरलेख दे अर्थां बारे विचार विस्थार सहित अंतका विच दित्ती गई है। टुंडे असराजे की तुनी इस सिरलेख गुरु अर्जन साहिब दा दित्ता होया है। गुरु पातशाह वलों इस वार नूं राजे अस दी प्रचलित वार दी धुन अथवा सुर ते गाउन दी हिदायत कीती गई है। अस नाम दे एक टुंडे राजे दी वार गुरु पातशाह दे समय तो पहले ही पंजाब विच बहुत चा अते उत्साह नाल गाई जांदी सी। राजा अस बहुत उच्चे आचरण दा मालक ते धर्मी बंदा सी। उस दे जीवन दियां खूबसूरत घटनावां नाल भरपूर वार पंजाब विच बेहद पसंद कीती जांदी सी। पंजवें गुरदेव ने आसा दी वार भी राजे अस दी वार दी सुर उत्ते गाउन दी आग्या कीती है। राजे अस दी वार दी एक पौड़ी नमूने दे तौर ते दित्ती जांदी है। तबकिया शेर सरदूल राय रन मारू बज्जे। खान सुल्तान बड सूर में विच रन दे गज्जे। खत लिखे टुंडे असराज नू पातशाही अज्जे। टिक्का सारंग बाप ने दित्ता पर लज्जे। फतेह पाए असराज जी शाही पर सज्जे। साहिब सतगुरु ग्रंथ साहिब जी विच 22 वारा अंकत हन। गुर बिलास पातशाही दसवीं दे आधार उत्ते कुछ विद्वाना ने
इस ये विचार बना लिया है कि धुना श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ने चढ़ाइया हैं, पर यह विचार निर्मूल ते गलत है। भाई साहिब काहन सिंह नाभा ने महान कोश विच धुना बारे इस गलत मनौत का खंडन किया है। असल गल यह है कि गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना समय ही गुरु अर्जन पातशाह ने धुना नूं भी पड़चोल पड़ताल के लोड़ अनुसार 9 वारां उत्ते चढ़ा दिता सी। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ने अपने दरबार विच ढाडियां राही इन्हां धुनां दा प्रचलन करा दिता सी।